पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में बुधवार रात एक मेटल हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। हादसा सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में हुआ। यहां एक हैंडीक्राफ्ट में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। CFO सुभाष चौधरी का कहना है कि आग लगने की सूचना रात करीब 12:30 बजे मिली। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान सिविल लाइन्स पुलिस भी मौजूद रही। ताज बैंकेट हॉल सिविल लाइन के पीछे रवि इंडियन हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री, जो कि मेटल हैंडीक्राफ्ट का निर्माण कार्य करती है, उसमें आग लगी। घटना 12:12 बजे बाद हमें सूचना मिली, जिस पर अग्निशमन टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर तुरंत रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया, उसको फैलने से रोका गया तथा फैक्ट्री के अन्य हिस्सों में अन्य रखे सामान को, जनरेटर आदि रखे सामान को बचाया गया, जिसमें कोई जनहानि नहीं है। फैक्ट्री के केवल एक ही हिस्से में स्क्रैप यार्ड में आग थी, जिसको बुझा दिया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।